नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू में बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस सचिव पुनीत शर्मा एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हुकुम सिंह आंजना ने संभाला मोर्चा। महू बिजली कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मांग की है कि 3 महीने के लॉकडाउन में आम जनता को रोजगार नहीं मिला और न ही खाने को राशन। इसके बावजूद शिवराज सरकार के द्वारा बिजली बिल अनाप शनाप दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस सचिव पुनीत शर्मा आम जनता के साथ बिजली कार्यालय पर पहुंचकर विद्युत विभाग पर प्रदर्शन करते हुए मांग की गई कि लोगों के बिजली के बिल कम किए जाए और लॉकडाउन के 3 महीने का बिजली बिल माफ किया जाए। जब प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के द्वारा लोगों का बिजली बिल 100 रुपए आता था, वैसे ही भाजपा सरकार बनते ही लोगों के बिजली के बिल 10,000 रुपए से ऊपर आने लगे हैं। हमारी मांग है कि लॉकडाउन के 3 महीने का बिजली बिल सरकार माफ करे। लोगों में बीजेपी सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था कि मुख्यमंत्री हाय हाय बिजली का बिल माफ किए जाए नारे भी लगाए गए। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा उसका उन्होंने हम लोगों को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने बिल सुधार और ये जो कोरोना पीरियड में बिल दिए गए हैं उसके लिए, इसके लिए हमने ज्ञापन से अर्जित कर लिया गया है और इसको हम वरिष्ठ कार्यालय में सुनवाई के लिए भेज देंगे। ये 3 महीने का जो बोला है, जैसे ही जो शासन के नियमानुसार जो भी आदेश आएंगे उसका पालन किया जाएगा। ओवैश खान, असिस्टेंट इंजीनियर महुशय। है कि मध्य प्रदेश के जो शिवराज जी की सरकार है वो पूरी तरह हर वर्ग के विरोध में बैठी हुई है, चाहे हम आम आदमी की बात करें, किसान की बात करें, व्यापारी की बात करें। इस सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आम आदमी 3 महीने तक लॉकडाउन में था, लॉकडाउन के अंदर अपने परिवारजनों को उसने खो दिया, कई लोग बीमार हुए, लाखों रुपये हॉस्पिटल में लगे, इंजेक्शन ऑक्सीजन की व्यवस्था इन लोगों ने बिल्कुल नहीं की। और अब जैसे ही लॉकडाउन खोला तो इनने भारी भरकम बिल हमारे मऊ अम्बेडकर नगर के वासियों को थमा दिया। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 रुपये बिल आता था, ये हम सबको बताए। आज जो बिल की स्थिति है आप देखोगे कि उन्हीं लोगों के बिल 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार पहुँचा दिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने। हमारी मांग ये है कि जो 3 महीने जब लॉकडाउन था हमारे परिवारजन घरों में थे, काम धंधा था नहीं, कैसे अपना उनने पालन करा, अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाया, ये सरकार ने वो तक तो देखा नहीं। बिजली के बिल हम लोग चाहते हैं कि 3 महीने के जो लॉकडाउन का बिल था बिजली का, वो 3 महीने के बिल पूर्ण तरह माफ़ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बोलना ये है और शिवराज सिंह जी को चैलेंज भी है, अगर आपके अंदर ताकत हो, आपके अंदर दम हो, तो जैसा हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनने 100 रुपये बिल करा था, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ शिवराज सिंह जी, अगर आप में दम हो तो आप भी 100 रुपये बिल करके दिखाओ। आज आप देखो जनता किस प्रकार से लड़ाई लड़ रही है, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, रोड पे खड़ी है सरकार और आप लोग ये 1,000 रुपये का बिल भेज रहे हो, ये कहाँ का न्याय हमारी जो मध्य प्रदेश जनता के साथ है, अम्बेडकर नगरी वालों के साथ है, क्या का न्याय है? मैं शिवराज सिंह जी को चैलेंज देता हूँ कि आप अगर वाकई में हमारे मध्य प्रदेश वासियों के मऊ के वासियों को हित चाहते हो तो कमलनाथ जी जैसा बड़ा दिल रखो और बिल जो है वो 100-100 रुपये महीना भेजो। और हमारी मांग ये है कि पूर्णतः बिल माफ होना चाहिए 3 महीने लॉकडाउन का। प्रदर्शन कर आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, मऊ अम्बेडकर नगर के एक एक प्रत्येक प्रत्येक वासी की जो भी समस्या होगी पुनीत शर्मा लड़ाई लड़ेगा उसकी। पुनीत शर्मा सचिव मध्य कांग्रेस कमेटी। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।